नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी रांची से बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी आज जारी करेगी घोषणा पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, शाम 5 बजे आंशिक घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। 5 प्रमुख बिंदुओं का ऐलान होगा। पूरा घोषणा पत्र बाद में जारी होगा। घोषणा पत्र में जनहित से जुड़े कई मुद्दों को शामिल किया गया है और बीजेपी पहले 5 संकल्प जारी करेगी। पार्टी ने 150 संकल्पों का अलग से ऐलान का फैसला ले लिया है। झारखंड निर्माण के 25वीं सालगिरह की थीम पर राज्यवासियों के लिए अलग से 25 संकल्पों का ऐलान किया जाएगा। तो घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी बिल्कुल तैयार है, लेकिन 5 मुख्य मुद्दों का को लेकर अभी सामने आएगी बीजेपी और उसके बाद पूरे घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी पहले 5 संकल्पों को जारी करेगी और जनता को अपने वादे इरादे बताएगी। 150 संकल्पों का अलग से ऐलान होगा, इसकी भी चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि आगामी कुछ ही दिनों में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टियों की तरफ से न सिर्फ अब तैयारियां की जा रही हैं बल्कि अपने वादों और इरादों को घोषणा पत्र के माध्यम से बताने की शुरुआत भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। राज्यवासियों के लिए अलग से 25 संकल्पों का ऐलान बीजेपी की तरफ से की जाएगी। तो मैया सम्मान योजना का बीजेपी ने काट निकाल लिया है, ऐसा बीजेपी का कहना है। 5 चरणों में घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। घोषणा पत्र की अगर आपको जानकारी दें तो ये पूरा ब्यौरा होता है जिसमें पार्टियों की तरफ से जनता के लिए क्या कुछ खास होगा, क्या जानकारी उनकी तरफ से दी जाएगी, उसकी पूरी चर्चा घोषणा पत्र में की जाती है। और बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर जेएमएम ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी में कहीं कोई कमिटमेंट ही नजर नहीं आता है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया है। कुछ प्रतिबद्धता, कुछ कमिटमेंट दिखता है क्या? मौका तो मिला था इन लोगों को, 17 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, लूटखंड बना के रख दिया था, उपनिवेश बना दिया था झारखंड को, झारखंड का माटी का बेटा को मुख्यमंत्री बनने तक का अवसर नहीं दिया इन लोगों ने। इनके प्राथमिकता एजेंडे में कहीं न आदिवासी है, न मूलवासी है, न झारखंडी है, न झारखंड है, बस लूटो। हम तो सत्ता में नहीं आए थे ना, यहाँ सत्ता में तो बैठे हुए हैं, तो हम जो घोषणा पत्र जारी करते हैं उसका अक्षर से पालन करते हैं। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी, तो आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के गारंटी को अक्षर से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, इससे उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएंगे। बीजेपी ने मैया सम्मान योजना की काट निकाल ली है। झारखंड में बीजेपी ला रही है गोगो दीदी योजना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माँ और बेटी दोनों को ही लाभ दिया जाएगा। 59 साल तक की महिलाएं इसका लाभ उठा सकती है। 15 साल की किशोरी को भी इसका लाभ मिलेगा। हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए, यानी कि ना सिर्फ एक महिला घर की पैसों को लेकर जो परेशान है उन्हें सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे बल्कि बेटियों को भी ये पैसे दिए जाएंगे। पार्टी ये मानकर चल रही है कि ये योजना आधी आबादी को लुभाएगी, साथ ही वही महिलाएं इसका फॉर्म भरेंगी जो बीजेपी को चुनाव में अपना समर्थन देंगी। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोगो दीदी योजना के तहत महिलाएं और साथ ही साथ बेटियों को भी इसका लाभ मिलेगा। और इस पूरी खबर के लिए जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, सबसे पहले ये बताइए कि बीजेपी ने मैया सम्मान योजना की काट, गोगो दीदी योजना को निकाली है, और इन दोनों ही योजनाओं में क्या अंतर है और बीजेपी की जो योजना है वो कैसे बेहतर उनकी तरफ से बताई जा रही है? जी, एम बता दें कि वर्तमान में अगर झारखंड सरकार की बात की जाए तो मैया सम्मान योजना दी जा रही है, और इसमें जो इस योजना के तहत 1000 रुपए की राशि जो है वो 18 साल से ऊपर और जो 59 साल से नीचे हैं उन तमाम लोगों को दी जा रही है। 49 साल के नीचे तमाम लोगों को, 50 साल से जो कम है उन्हें दी जा रही है। वहीं जो बीजेपी की गोगो दीदी योजना है इसके तहत 2100 रुपए का देने का प्रावधान जो है वो बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो गोगो दीदी योजना का शुभारंभ करेगी और महिलाओं को
इसमें जो 15 वर्ष से ऊपर हैं और जो 60 वर्ष से कम हैं, उन तमाम महिलाओं को गोगो दीदी योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत उन्हें 2100 रुपया जो है वो प्रतिमाह दिया जाएगा। तो इस तरह की योजना है। दोनों योजनाओं में जहां राशि का अंतर नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो उम्र का भी अंतर है वो भी साफ नजर आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, वो लाभान्वित होंगी। ये बीजेपी की तरफ से जो योजना का प्रस्ताव जो है वो दिया जा रहा है। वहीं वर्तमान में अगर झारखंड सरकार की बात की जाए तो मैया सम्मान योजना जो है उसे शुरू किया गया है। वर्तमान में ये ओम प्रकाश, एक बात की और चर्चा की जा रही है कि जो महिलाएं बीजेपी को चुनाव में अपना समर्थन देंगी उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा, वो ही फॉर्म भर सकती हैं। तो इसकी जानकारी कैसे ली जाएगी कि उन महिलाओं ने समर्थन दिया है या नहीं जो फॉर्म भरने के लिए राजी होंगी? जी, फिलहाल इस तरह की बातें जो है वो बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, लेकिन साफ तौर से यही बात है कि जिन महिलाओं को ये योजना लुभाएगी वो बीजेपी को वोट करेंगी। इसी हिसाब से बीजेपी के द्वारा ये तमाम जो चीजें हैं वो कही गई हैं। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच जमशेदपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन आज देंगे बड़ी सौगात, 500 बेड के अस्पताल का करेंगे उद्घाटन। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में अस्पताल का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जमशेदपुर से, जहां 500 बेड के अस्पताल का उद्घाटन होना है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में उद्घाटन किया जाएगा, जमशेदपुर से बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार पार्टियों की तरफ से योजनाओं की सौगात सरकार की तरफ से दी जा रही है। हेमंत सोरेन इस वक्त एक बड़ी सौगात झारखंड वासियों के साथ साथ जमशेदपुर वासियों को देने जा रहे हैं। 500 बेड के एमजीएमएस कॉलेज में यह अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। और रांची से ही बड़ी खबर आ रही है कल्पना सोरेन को लेकर। जेएमएम का बड़ा बयान सामने आया है। जेएमएम ने कल्पना सोरेन को माँ दुर्गा का प्रतिबिंब बताया है। उन्होंने कहा कि माँ दुर्गा का सीधा आशीर्वाद इन्हें मिला हुआ है। देवी के रूप में घर के साथ सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारियों को ये संभाल रही हैं। कल्पना सोरेन के आने के बाद अब जेएमएम भी डबल इंजन हो चुकी है। कल्पना सोरेन के आने के बाद विरोधियों में घबराहट नजर आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेएमएम की तरफ से कल्पना सोरेन को लेकर बड़ा बयान आया है कि वो माँ दुर्गा की स्वरूप है, उनकी प्रतिबिंब है और वो सारी शक्तियां उनके अंदर है। वो घर के साथ साथ बाहर के जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रहे। माँ दुर्गा का साक्षात आशीर्वाद आज कल्पना सोरेन में दिखता है। आशीर्वाद है देवी के रूप में। आज जो अपने पति हमारे नेता हेमंत सोरेन जी को जो प्रताड़ित किया गया, जेल भेजा गया, उसके बाद चार अपने घर की देहरी लांघकर और वो सार्वजनिक जीवन में आई और जिस बखूबी, जिस ताकत और जिस हिम्मत के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो माँ दुर्गा की प्रतिबिंब दिखाई पड़ती है। किसी की तुलना माँ दुर्गा से करना, उसे प्रतिबिंब बनाना, ये तो चमचई की प्रकाष्ठा है और कहीं ना कहीं माँ का अपमान है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और से अगली खबर आपको बताएंगे, जहां जेएमएम के पूर्व केंद्रीय सदस्य पप्पू वर्मा ने 15 से 20 हजार समर्थकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और अर्जुन मुंडा भी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने हेमंत सोरेन सरकार पर बेरोजगारी का वादा कर ठगने का आरोप लगाया, तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से झारखंड को बचाने की बात की है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड का विनाश कर रहे हैं। मेरे साथ खिलवाड़ यह सरकार कर रही है, ये झारखंड की जनता ने कहा है कि पाना ही हम लोगों का, और इसीलिए सत्ता में रहने वाली पार्टी को भी लोग उनके 26-26 चार से छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में बांग्लादेशी घुसपैठी का चरम सीमा, वहाँ का संतालों का एक एक गांव नीचे जा रहा है और संथालों का जमीन के ऊपर में घर बनते जा रहा है। बहुत दुख और तकलीफ से मैंने पार्टी को बाय बाय अलविदा कहा और एक नया आयाम और
और एक नया इच्छा व्यक्त कर हम लोग सोचे कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जिसमें देशभक्ति से ओतप्रोत और विकास आज भारत को विश्व गुरु बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया। और अगले कुछ महीनों में झारखंड विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन गढ़वा का राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है। पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह इन दिनों मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ खूब बोल रहे हैं। उन्हें क्षेत्र में भ्रष्टाचार का जनक तक के बता रहे हैं। गिरिनाथ सिंह ने कहा कि यहां माफिया राज चल रहा है, जनता की खून को चूसा जा रहा। पूर्व विधायक के आरोपों पर जेएमएम के जिलाध्यक्ष तनवीर आलम ने कड़ा विरोध किया है। लेकिन यहाँ माफिया ही माफिया है, एक माफिया हो तब ना, सैकड़ों माफिया यहाँ स्थापित हो गए हैं जो जनता का खून चूस रहे हैं। सरकार का रेवेन्यू जो आप और हम जमा करते हैं उसका अवैध असूली हो रहा है, निकासी हो रहा है। आम आदमी त्रस्त है, चले जाइए अस्पताल में, न कर रहे तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। परिवर्तन यात्रा के जरिए यह कहने पर दारू है कि वर्तमान के विधायक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन वो अपने गरिबान में नहीं झांकते हैं। और गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव आज गढ़वा आएंगे, कांग्रेस का संवाद अभियान शुरू करेंगे। भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के रमना और बिसुनपुरा में ये कार्यक्रम होगा। विश्रामपुर विधानसभा के मझियाओ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक मणिका रामचंद्र सिंह और पूर्व विधायक ददई दुबे होंगे मौजूद। अभियान को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी है। वहीं बोकारो में कांग्रेस का संवाद अभियान शुरू हुआ है। कांग्रेस चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय और पार्टी के सचिव सह राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रणव झा ने इस मौके पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और उनकी नाकामियों को भी गिनवाया। सुबोध कांत सहाय ने बीजेपी के घुसपैठ के मुद्दों को बेबुनियाद बताया तो प्रणव झा ने बीजेपी के राज्य और केंद्र में उपलब्धियों पर सवाल दागे हैं। साल का शासन काल रहा है भाजपा का, इनको अगर किए होते कुछ तो ये बांग्लादेश के सवाल पे क्यों सब भुआ 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 एकदम किए हुए हैं सब लोग। इनके पास कोई उपलब्धि न 18 साल में रही है न मोदी जी के शासनकाल में 10 साल में। महारत है वो है भाषण देने में। किस बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं? वो मेडल जीतने वाली बेटियां जिसको कि सड़क पर घसीटा गया नई संसद के उद्घाटन के समय, और किस माटी की बात कर रहे हैं? वो जो चीन हड़प के बैठा है, अगर रोजी रोटी की बात करते हैं, 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस देश में, क्या उपलब्धि है उनकी। और कोडरमा के चंदवारा प्रखंड कार्यालय के बाहर कांग्रेस से बरही विधायक उमाशंकर अकेला यादव का धरना देर रात तक खत्म हो गया। विधायक ने प्रखंड के सीओ और बीडीओ पर विकास योजनाओं में गड़बड़ी और मनमानी का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया था। धरने के दौरान जब कोई अधिकारी बातचीत के लिए नहीं आया तो विधायक और उनके समर्थक रात भर धरना स्थल पर रहे। जब इसकी सूचना ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी को मिली तो उन्होंने विधायक उमा शंकर अकेला को फोन किया और समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन विधायक ने उनकी एक ना मानी और भ्रष्ट अधिकारियों को निलंबित करने की मांग पर अड़े रहे। कोई चिंता नहीं है कि विधायक एक सत्ताधारी विधायक चाहे कोई भी विधायक हो धरना पर बैठे हुए है। हम और सरकार हमारी है तो हम तो इनको जान नहीं मार देंगे, हम कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। मेरा अधिकार है लोकतंत्र में, किसी काम को बाधित नहीं करूंगा, मैं धरना पर बैठा रहूंगा जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाएगा। ग्रीवेंस है ब्लॉक अंचलों का, पर्टिकुलर तो नहीं, काफी है, तो वो हम लोग अभी सर से एक बार देख सुन लेते हैं, उसके बाद जैसा होगा फिर हम लोग डीसी मैम को भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसके बारे में। ये तो जांच का विषय है, मैम को के संज्ञान में है और उनको पता है तो जांच के लिए तो वो कहीं भी है। तो और चक्रधरपुर रेल मंडल के सोनुआ रेलवे स्टेशन पर एक महीने पहले रेलवे की ओर से फुटओवर ब्रिज को तोड़ दिया गया था, क्योंकि जर्जर फुटओवर ब्रिज को एक मालगाड़ी के खुले दरवाजे से झटका लगने के बाद नुकसान पहुंचा था। लेकिन इस घटना के एक महीने के बाद भी अब तक फुटओवर ब्रिज का काम लटका हुआ है, जिससे रेल लाइन के दूसरी ओर जाने से यात्रियों या आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कई बार लोगों को जान जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे से गुजरना पड़ता है, लेकिन रेलवे का इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। पता नहीं चल रहा, जो बूढ़ा हो चुका है उन लोग को तो बहुत ही बहुत बोलने से बहुत ही दिक्कत हो रहा है। ट्रेन आता है फिर टिकट करने जाता है उस पार में तो टिकट काउंटर है, हमको ले जाना पड़ता है। तो इसको बनाने का कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, तो अभी तक तो नहीं देख रहे हैं। क्यों नीचे से पार हो रहे हैं?
सीढ़ी का चलते सीढ़ी टूटा हुआ कितने दिनों से ऐसा है स्थिति एक महीना से दिक्कत नहीं होता है बच्चा चलो हो रहा है बहुत दिक्कत हो रहा है जी हाँ। लेकिन काम नहीं कर रहा है रेलवे कुछ नहीं कर रहा है ट्रेन खड़ा रहता है तो कैसे पार होता है बहुत तकलीफ होता है इस पार से उस पार होना ही बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है इसलिए आपके चैनल के माध्यम से रेल के उच्च अधिकारी और डीआरएम साहब से मेरा आग्रह होगा कि जितना जल्दी हो सके टूटा सीढ़ी को जोड़ने का काम करना चाहिए। पिछले दिनों एक मालगाड़ी जो यहाँ से गुजर रही थी तो उसका एक दरवाजा खुला था और ये फुटओवर ब्रिज का जो पिलर था उससे टकरा गया था जिसके कारण ये फुटओवर ब्रिज जो पहले से ही काफी जर्जर स्थिति में था और उसे तोड़ दिया गया रेलवे द्वारा इस फुटओवर ब्रिज को तोड़ दिया गया। लेकिन उस समय रेलवे अधिकारियों ने कहा था जब हम लोगों ने उस समय सवाल किया था रेलवे अधिकारियों से कि इसे तोड़ा जा रहा है लेकिन लोगों को 2 से 3 नंबर जाने में प्लेटफॉर्म में काफी समस्या होगी तब क्या किया जाएगा तो उन्होंने उस समय यहीं पर कहा था कि जल्द जो नया फुटओवर ब्रिज यहां पर बनाया जा रहा है ये आप देख रहे हैं नया फुटओवर ब्रिज का काम चल रहा है और उधर फुटओवर ब्रिज का ऊपर का जो प्लेटफॉर्म रखा जाता है उस वो भी बनकर तैयार है लेकिन रेलवे द्वारा अभी कोई काम नहीं किया जा रहा है और यहाँ हादसे की संभावना हमेशा बनी रहती है क्योंकि अगर 2 और 3 नंबर में कोई ट्रेन खड़ी हो तो लोगों को उधर प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर जाने में भी समस्या होती है या 2 नंबर से कोई ट्रेन पकड़ने के लिए 3 नंबर आएंगे तो भी दिक्कत होती है लोग या तो ट्रेन के नीचे से पार होते हैं या जॉइंट से चढ़कर पार होते हैं। महिलाओं और बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या होती है बुजुर्गों को भी समस्या होती है कई लोगों ने यहाँ बताया कि जान जोखिम में डालकर लोग दूसरी ओर पार होते हैं अभी भी कई लोग ऐसे पार हो रहे हैं तो रेलवे को इस पर गंभीरता से काम करना चाहिए। लोगों का कहना है कि जल्दी इस पर काम होना चाहिए और जो फुट ओवर ब्रिज नया बनाया जा रहा है उसको जल्द बनाया जाना चाहिए। रुपेश प्रधान न्यूज 18 चाईबासा। और राजधानी रांची के ओल्ड विधानसभा मैदान में अयोध्या की तर्ज पर बन रही राम मंदिर पंडाल के प्रारूप का दर्शन करने के लिए अब श्रद्धालुओं का उमड़ना शुरू हो चुका है। इस भव्य पंडाल के दर्शन के लिए हजारीबाग से भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पंडाल की तस्वीर अपने मोबाइल कैमरे में कैद करती नजर आ रही श्रद्धालुओं से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। अगले 7 दिनों तक अयोध्या नगरी राजधानी रांची में रहेगी और राजधानी रांची के ओल्ड जो विधानसभा मैदान है वहां अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण किया गया है और ये देख सकते हैं कि पंडाल पूरी तरीके से बनकर तैयार है और इतना खूबसूरत लग रहा है कि लोग इसकी कह सकते हैं तस्वीर उतारने से नहीं थक रहे। हालाँकि 7 दिन पहले से ही पंडाल की तस्वीर उतारने की होड़ मची है, लोग यहाँ आ रहे हैं पंडाल का जो दर्शन कर रहे हैं। हम वहाँ नहीं जा पाए तो लोगों ने यहीं पर राम मंदिर उतार दिया। अयोध्या जो टीवी मंदिर देखे इस मंदिर में क्या अंतर लग रहा है? कोई डिफरेंस नहीं है, बस साइज का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा ही है, बहुत अच्छे से बना। पंडाल हम लोग आए देखने के लिए, बहुत अच्छा हम लोग के लगा, हम लोग के बहुत खुशी है ये बात को लेकर के, हम लोग बहुत खुश में है। पूरा फोटो उतार रहे हैं, कितनी तस्वीर खींची अभी तक? 8-10 गो तस्वीर खींचे हैं हम लोग जी। हम लोग दुर्गा पूजा घूम रहे देखने के लिए, पंडाल देखने के लिए हम लोग आए हैं। क्या बात है, राजधानी रांची में एक से बढ़कर एक भव्य पंडाल बने हैं और तमाम पंडालों को देखने के लिए देखिए दूर दूर से जो राजधानी रांची से बाहर के जिले के लोग हैं वो लोग भी पहुँचे। आप कहाँ से आई? हम लोग हजारीबाग जिला के हैं। हाँ, पूरा पंडाल घूम के जाना है? हाँ जी जाना है। टीवी पर जो अयोध्या की तस्वीर देखी थी राम मंदिर की, ठीक उसी तरह की है। जाहिर है कि मंदिर की कई खूबियां हैं, उन्हीं खूबियों को इस प्रारूप में उतारने की कोशिश की गई है। जाहिर है कि 7 दिन पहले से ही अब राजधानी रांची में जो श्रद्धालु हैं पंडाल में उनका पहुंचना शुरू हो गया है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और टीवी स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं लेकिन अब आप यूट्यूब चैनल पर भी हमें जरूर देखें। न्यूज 18 बिहार झारखंड की यूट्यूब चैनल को आप जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।